किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन मन में बात हमेशा रहती थी कि पापा के खिलाफ जाकर आई हूँ। एंगेजमेंट के दिन, एंगेजमेंट हो चुका था, सारे लोग इंजॉय कर रहे थे और मैं अकेली बैठी हुई थी, और मेरे पापा मेरे पास आए और मुझे बोले बेटा एक चीज़ मांगू। तो मैंने ली बोली पापा, तो बोले अब इंडस्ट्री छोड़ देना। उनका वो कहना, और तब से लेके अब तक मैंने कोई काम नहीं किया है और ना ही करूँगी एज अ आर्टिस्ट। तो कितना मिस करोगे आप भोजपुरी इंडस्ट्री खासकर? मिस क्या करना, मैंने जितना लाइफ जिया है इंडस्ट्री में, मेरे लिए वो बहुत है। 11 साल हाँ जाओ, वो 11 साल मेरे लिए बहुत है। और इंडस्ट्री कैसे छोड़ूंगी, मुझे लोग छोड़ने नहीं देंगे। जो जो रिश्ते मैंने बनाए हैं ना, वो हमेशा मेरे साथ हैं, तो मुझे कभी लगेगा ही नहीं कि मैंने इंडस्ट्री छोड़ा है। और मुझे खुशी है इस चीज़ की कि मैंने जितना काम किया है, मैं उससे बहुत खुश हूँ कि मैंने बहुत बहुत ज़्यादा ही काम कर लिया था। मुझे खुद लगता था अब मैं कब छोड़ूंगी यार, कितना आइटम करूँगी, हर फिल्मों में मैं ही दिख रही। तो मुझे भी ऐसा होने लग गया था कि हाँ, मुझे अब थोड़ा सा संन्यास ले लेना चाहिए। और भविष्य में एज अ आर्टिस्ट तो मैं काम नहीं करूँगी, एज अ प्रोड्यूसर अगर कुछ अच्छी चीज लगी तो हम जरूर वो सोच रहे हैं कि कुछ करेंगे। एंगेजमेंट में अविनाश जी ने कितना साथ दिया है, कि कुछ ऐसे बातें बताइए जो आपको मनाते हो, कुछ खट्टी मिट्टी कुछ बातें कुछ याद तो बताइए। सौरभ जी के लिए तो बस मैं इतना बोलना चाहूँगी, खट्टी मिट्टी यादें नहीं, बस अच्छी अच्छी यादें हैं कि इन्होंने हमेशा मेरी हर एक चीज़ एक्सेप्ट किया है अच्छे से। मतलब इन्होंने रियल लाइफ की सीमा सिंह से शादी करना तय नहीं किया था, इन्होंने रियल लाइफ की सीमा सिंह से शादी करना तय किया है। इनको रियल लाइफ की सीमा सिंह बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे भी काम नहीं करना है। इनको रियल लाइफ की सीमा पसंद है, जो सिंपल है, बहुत अच्छी है बातचीत, मतलब वो चीज़ें पसंद है। फिल्मों की सीमा सिंह बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी का सीमा सिंह आ जाएगी तो क्या करेगा? ये इतने शाय नेचर के, इतने शांत नेचर के हैं कि मुझे खुद को ऐसा लगता है कि कैसे हमारी जोड़ी बन गई। और क्या कर रहे हैं अभी? मैं एक्चुअली पटना का हूँ, मेरा अभी फोकस जो है वो पॉलिटिक्स है, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं अभी JDU से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। वहाँ उद्योग प्रकोष्ठ में मैं महासचिव हूँ, और मेरी बिजनेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और कुछ एजेंसियाँ हैं जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के, और ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग वगैरह की कंपनी है। तो फ़िलहाल तो मेरा इसी तरीके से चल रहा है, अभी नई नई प्रोडक्शन कंपनी भी खुली है, जिसके थ्रू मैंने एक डांस रियलिटी शो जो कि इसके लिए स्पेशली किया था, सरप्राइज था मेरे लिए वो, और मेरे लिए गिफ्ट था वो, जो 11 जून को मेरे बर्थडे के दिन स्टार्ट किया गया था। 11 जून से स्टार्ट हुआ था, 11 जून 2018, और 16 जून को कंप्लीट हुआ था। और उसी में इन्होंने प्लान भी कर लिया था कि 17 तारीख को मेरा हाथ कानू जी से इन्होंने मांग लिया था। कानू जी जो हमारे भोजपुरिया नटराज हैं, भोजपुरी के कोरियोग्राफर, और मेरे लिए माँ बाप की समान है वो। तो इन्होंने जब मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया था, तो मैंने इनसे एक ही बात कहा था कि इंडस्ट्री में मेरे माँ बाप हैं कानू जी और मेरे रियल माँ बाप, ये एग्री होंगे और आपकी फैमिली मुझे लेकर एग्री होगी तो ही हम शादी करेंगे। और हमें पता भी नहीं कि इतने फास्ट सब हो गया, चट मंगनी, लेकिन अब हम लोग पट ब्याह बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, ब्याह हम लोग बहुत अच्छे से करना चाहेंगे पूरे रीति रिवाज के साथ। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.